गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ओ लेवल स्टडी अड्डा। एक बार फिर से मैं अरुण तिवारी आप लोगों का ओ लेवल स्टडी अड्डा के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे थे, जो आपके ओ लेवल एग्जाम में पिछले कुछ एग्जाम्स में आया हुआ पेपर है, उसी के क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके ये पेपर्स बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने इंटरनेट और नेटवर्किंग पे क्वेश्चन देखे थे। सेकंड वीडियो में हमने आपको कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज हम लोग, मेरे ख्याल से कल हम लोग का स्प्रेडशीट के ऊपर था। आज हम लोग तीसरा जो वीडियो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर कारण बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। जो लोग किसी पर्टिकुलर आंसर से सहमत नहीं है या संतुष्ट नहीं है उनसे निवेदन है कि वो हमारे कमेंट में आकर के उसके ऊपर हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और निश्चित तौर पे हम उसके ऊपर आप आंसर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो हम उसका सलूशन भी खोज के आपको देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन पेपर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का जो पेपर है ये इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगा। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो पहला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें हमें सही विकल्प को अपने ओएमआर शीट में राउंड करना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अ यूजर कैन लोड और अपलोड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर किस चीज को लोड या अपलोड कर सकता है? इसमें जो विकल्प दिया है, आईओ मॉड्यूल्स, आईओ डिवाइस, कर्नल मॉड्यूल्स एंड फाइल बेस्ड आईओ। तो इसमें सही आंसर है कर्नल मॉड्यूल। कर्नल क्या है मैं जरा सा इसके बारे में बता दूं। कर्नल आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य भाग है, कोर पार्ट है, उसी को हम लोग कर्नल कहते हैं। कर्नल आपके हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है और हार्डवेयर के थ्रू आपके जो भी टास्क है उसको प्रोसेस करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल को या एप्लीकेशन प्रोग्राम को देता है। तो ये आपका जो पहला मॉड्यूल जो लोड होता है, दैट इज अ कर्नल मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि कर्नल मॉड्यूल। तो आंसर इज सी, कर्नल मॉड्यूल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्वा यूजर इंटरफेस अपीयर्ड विद। हमारा जो एक्वा यूजर इंटरफेस आया था वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया था? पहला है विंडोज, दूसरा है शेल्स, तीसरा है मैक ओएस और चौथा है बोन शेल। यहाँ पे दो ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है आपका विंडोज और दूसरा है मैक ओएस। बाकी दोनों आपके अलग अलग शेल्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं। शेल तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हुआ ही और ये जो बोन शेल है ये एक डिफरेंट टाइप का शेल है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा केवल पहला और तीसरा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ध्यान से सुनिए, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक्वा इंटरफेस होता नहीं है, तो विकल्प हमारे पास बचता है केवल मैक ओएस का, यानी कि इसका सही आंसर होना चाहिए मैक ओएस। अर्थात हमारा जो एक्वा इंटरफेस आया था वो मैक ओएस के साथ आया था। तो सही आंसर है आपका मैक ओएस, यानी कि सी।
अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है, नहीं करता है आपका प्रश्न है। इसमें विकल्प दिया है विंडोज 98, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी और विंडोज एनटी। तो ध्यान से सुनिए, हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज के, वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। तो बचता है हमारे पास इसमें एक ही विकल्प, वो है डॉस, जो कि मल्टीटास्किंग नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि एमएस डॉस। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? विकल्प दिया है मेमोरी, दूसरा है आईओ डिवाइसेस, तीसरा है प्रोसेसर, तीसरा है प्रोसेसर और चौथा है ऑल ऑफ द ऑप्शंस। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य फंक्शंस होते हैं उसमें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सारे अलग अलग तरह के टास्क हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि डी। सो राइट आंसर इज डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स आर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स पे यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? इसमें विकल्प दिया है विंडोज, दूसरा है एंड्रॉयड, तीसरा है आईओएस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। आप लोग को पता है एंड्रॉयड तो मोबाइल फोन्स के लिए और टैबलेट्स के लिए होता ही है, साथ ही साथ आईओएस जो कि एप्पल के फोन पे होते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं आईओएस, तो वो भी हमारा क्या है, मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तीसरा जो इसमें दिया है विंडोज, हाँ कुछ हमारे पास बीच में फोन आए थे जो आजकल अभी भी है बट अभी उतना ज्यादा यूज में नहीं आते, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले भी हमारे पास मोबाइल फोन और टैबलेट्स हैं, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। OS does not boot itself when a system is। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डैश होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद बूट नहीं करता है। पहला ऑप्शन है शटडाउन, दूसरा है रीसेट, तीसरा है पावर्ड ऑन, चौथा है रीस्टार्टेड। देखिए, जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, जब आप पावर को ऑन करते हैं तो भी बूटिंग होता है, जब आप रीसेट करते हैं तो भी रीबूटिंग होता है। बचता है एक ही विकल्प, यानी शटडाउन करने के बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, दोबारा से बूट नहीं होता है, अर्थात यहां पर बूटिंग नहीं होता है अपने आप। सो सही आंसर है ए, शटडाउन। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। Does Ubuntu need antivirus? क्या Ubuntu operating system में हमें antivirus की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, यहाँ पे explanation के लिए मैं बता दूँ, Ubuntu एक operating system है जो कि Linux based है और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही secure operating system है जिसके लिए अभी तक कोई known virus नहीं है, अर्थात जब नोन वायरस नहीं है तो इसके लिए हमें एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सही आंसर होगा नो। दस Ubuntu नीड्स एंटीवायरस, आंसर इज नो। तो सही आंसर है बी, यानी कि नो। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर से इंटरैक्ट करके आपके प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के ऑपरेशंस के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें जो विकल्प दिया है वो दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लोडर, तीसरा है लिंकर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही, लोडर और लिंकर ये दोनों भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पास है, यानी कि ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डी। इज इट क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है लिनक्स इज अ डैश एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक डैश और डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। विकल्प दिया है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग एंड नन ऑफ द अबव। तो लिनक्स के बारे में आपने पढ़ा है कि लिनक्स एक मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ कई यूजर और एक यूजर आपके एक साथ कई टास्क पर काम कर सकता है, अर्थात इसका सही आंसर होगा बी मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इज इट क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स। वेब फाइल्स के अंदर जो हमारे फाइल नेम्स होते हैं उसमें डॉट के बाद एक्सटेंशन क्या होता है? अमूमन जब आप वेब फाइल्स की बात करते हैं तो वो HTML या HTML फाइल्स होते हैं। तो सही आंसर है इसका .html और .htm। सो सही आंसर इज बी .html और .htm। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ चार विकल्प दिए रहते हैं और आपको सही विकल्प चुनना होता है। चलिए अब हम दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। हमारे पहले सेक्शन का दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसमें हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स पे होते हैं। हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो चलिए हम लोग अगली कैटेगरी पे चलते हैं, ट्रू और फॉल्स पे। पहला क्वेश्चन है U12 वॉज डेवलप्ड बाय यूके बेस्ड कंपनी कॉल्ड कैनोनिकल लिमिटेड। U12 को यूके बेस्ड कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया था, ये कथन सत्य है। तो इसका आंसर है ट्रू। तो हम यहां पे ट्रू लिख देते हैं, इसका सही आंसर होगा ट्रू। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है लिनक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस टोरवाल्ड्स इन 1991। ये भी कथन सत्य है, क्योंकि लिनक्स टोरवाल्ड्स, जिसको कि लिनक्स का जन्मदाता कहा जाता है, इन्होंने 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। सो आंसर इज अगेन ट्रू। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, U12 डेस्कटॉप ओएस कैन आल्सो वर्क एज सर्वर बट विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट सर्वर। ये कथन भी सत्य है, हमारे U12 डेस्कटॉप को हम सर्वर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज XP हुआ, विंडोज हमारा 7 हुआ, विंडोज 8 हुआ, इन सबको हम सर्वर की तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन भी सत्य माना जाएगा ट्रू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है U12 ऑपरेटिंग सिस्टम में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है Ubuntu software are based on the principle of open source software development. Ubuntu जो software है ये open source software के सिद्धांत पर आधारित है. ये बिल्कुल सही है, ये हमारा open source operating system है. यानी कि open source कहने का मतलब ये market में freely available है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस फी देने की आवश्यकता नहीं है. तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है GNU और लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स और लिनक्स के जितने भी वर्जन आते हैं, Ubuntu हुआ, Kali हुआ, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, ओपन सोर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं. इनको यूज करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो ये कथन भी हमारा ट्रू है. अगले प्रश्न पे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म MOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. NOS का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी ट्रू है, हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं MOS. तो आंसर इज ट्रू. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. यूनिक्स इज फ्री रिलायबल ऑल्टरनेटिव टू विंडोज XP. ये कथन फॉल्स है, यूनिक्स फ्री नहीं है, यूनिक्स के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है. हाँ, लिनक्स के जितने भी वर्जन है वो हमारे लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं. तो ये कथन फॉल्स हो गया, यानी कि इसका आंसर है फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 8, DOS इज अ GUI. DOS हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये कथन असत्य है, क्योंकि DOS हमारा कमांड यूजर इंटरफेस है, CUI. इसमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस है ही नहीं. तो ये कथन हो गया हमारा फॉल्स. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. टू यूज अ कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना है तो हमें उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो कंप्यूटर है एक खाली डब्बा है, बेकार डब्बा है, वो आपके किसी काम का नहीं है. हमारे पास कंप्यूटर है तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने चाहिए अलग अलग काम करने के लिए. तो इसका आंसर होगा ट्रू. तो हमारा ये आंसर हो गया ट्रू. अगला प्रश्न चलते हैं. हमारा अगला प्रश्न है इन लिनक्स रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन. लिनक्स में और यूनिक्स में रूट लॉगिन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है, जिसके पास पूरे राइट्स होते हैं. और ये कथन सत्य है, इट इज आल्सो ट्रू. सो इसका आंसर भी होगा ट्रू. ये थे हमारे 10 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है. चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो होता है मैच द कॉलम्स वाला. दो कॉलम्स होते हैं एक्स एंड वाई. वाई में हमारे पास 13 विकल्प होते हैं और एक्स में 10 स्टेटमेंट होते हैं. इनमें से हमें करना यह होता है कि एक्स कॉलम के जो भी स्टेटमेंट है उसको वाई के किसी पर्टिकुलर वर्ड या सेट ऑफ वर्ड से मैच करना होता है, जो क्लोजली मैच होता है वो ये हमें देखना पड़ता है. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम. लिनक्स में फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं. इसका सही आंसर होता है MKFS, मेक फाइल सिस्टम. हमारे पास वाई कॉलम में डी में
ये MKFS दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा डी। यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका मैचिंग होगा वाई के डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हमारे हार्डवेयर को अलग अलग काम करने के लिए जो प्रेरित करते हैं वो प्रोग्राम क्या है, क्या कहलाते हैं? आंसर इज वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर से काम करवाते हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए। आंसर इज ए। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टूगेदर। हमारे हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने लायक बनाने वाले सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विकल्प आई। तो थर्ड का जो सही आंसर होगा वो होगा आई। 3.4, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास यहाँ पे जो विकल्प दिया है इसमें कई सारे विकल्प दिए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, लिनक्स, MKFS, MD और MKDIR, बूटस्ट्रैप लोडर, फिर हमारे पास डेस्कटॉप है, उसके बाद हमारे पास दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम LS-L, उसके बाद दिया है यूजर एंड कंप्यूटर, फिर है हार्डवेयर और लास्ट में है लिनक्स टूलबॉक्स। तो इसका सही आंसर है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमांड टू गेट लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स इन लिनक्स। लिनक्स में फाइल्स की लॉन्ग लिस्टिंग के लिए हमारे पास कमांड क्या है? नॉर्मल लिस्टिंग के लिए ls होता है और लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होता है ls-l, यानी कि विकल्प जे। तो इसका सही आंसर होगा जे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, द कमांड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। यूनिक्स में या विंडोज में डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होता है md या mkdir, मेक डायरेक्टरी। तो सही आंसर है ई। तो छठे का जो मैचिंग होगा वो ई से होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिनक्स कर्नल वॉज इन्वेंटेड बाय, सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द रैम। इनमें से कौन सा रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोज करके लोड करने के लिए जिम्मेवार है? इसका आंसर है बूटस्ट्रैप लोडर, यानी कि F। तो सही आंसर होना चाहिए F। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स कर्नल वॉज इन्वेंटेड बाय, अभी हमने पिछले बार में इसको डिस्कस किया था, लिनस टॉरवाल्ड्स इन 1991, है ना। तो सही आंसर होना चाहिए M, लिनस टॉरवाल्ड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शोज ऑल द आइकन्स कॉल्ड। जो बूटिंग के बाद पहला स्क्रीन आता है उसमें हमारे पास सारे आइकन्स दिखते हैं, उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो सही आंसर होगा डेस्कटॉप, यानी कि H। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न है, GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। GUI एक माध्यम की तरह से काम करता है किसके किसके बीच में? आंसर है यूजर एंड कंप्यूटर। तो सही आंसर है हमारा K, यानी कि यूजर एंड कंप्यूटर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आप हमारे एक्सप्लेनेशन से सहमत भी होंगे। चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो आखिरी प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव में वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। 13 विकल्प देंगे, उसमें से किसी एक विकल्प को फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें चूज करके रखना है। हमारे विकल्प जो दिए हैं, आइकन, विंडोज, रैंडम, कंपाइलर, लिनक्स, ubuntu, portable, operating
operating system, BlackBerry OS, .bmp, Dynamic RAM, Assembler and Data. चलिए हम लोग अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड. वो प्रोग्राम जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम का काम करता है, इसे हम लोग कहते हैं आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका सही आंसर है एच, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड नेटवर्क सर्वर्स. अब इसमें जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हैं वो है लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एंड ब्लैकबेरी एंड यूबंटू. तो यूबंटू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम पोर्टेबल के साथ साथ किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर पे भी लोड किया जा सकता है. तो इसका सही आंसर होगा यूबंटू, यानी कि एफ. सही आंसर है यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. प्रश्न नंबर तीन, डैश इज अ प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय रिसर्च इन मोशन RIM के द्वारा डेवलप किया गया एक प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है. आंसर इज ब्लैकबेरी. जो आपके ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ब्लैकबेरी फोन्स में यूज होता है, वो हमारा रिसर्च इन मोशन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो सही आंसर है आई, यानी कि ब्लैकबेरी. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. प्रश्न नंबर चार, डैश इज अ प्रोग्राम that translates mnemonic statements into executable instructions. Dash एक प्रोग्राम है जो हमारे mnemonic codes को executable statement में बदलता है. Answer is assembler. जो assembly language यानी कि जो आपके mnemonic codes को बदलता है machine codes में. तो सही आंसर है assembler, यानी कि L. Okay. प्रश्न क्यों चलते हैं. हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पांच, डैश इज अ मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग सिस्टम. इनमें से कौन सा हमारा मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग सिस्टम है. और यहां पर यह प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी सही आंसर है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सही आंसर है, यूबंटू भी सही आंसर है. तो देखा जाए तो तीन तीन सही आंसर दिख रहे हैं. तीन क्यों, चार, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड यूबंटू. तो ये चारों ही है इसके सही आंसर है, बट हम इसमें बी को मान के चल रहे हैं, मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग है. तो ये हम इसमें बी ले रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. हालांकि अगर इनमें से कोई जो हमने नाम लिए लिनक्स, यूबंटू और यूनिक्स भी सही आंसर है. तो ये क्वेश्चन एम्बिगस है, ये बहुत ही अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है. Anyways, आगे बढ़ा जाए. Ubuntu is an open source operating system while Dash is a paid and licensed operating system. Ubuntu एक हमारा ऐसा है open source है जबकि Dash एक paid है. अब इसमें भी दो आंसर है, एक है हमारा Windows और दूसरा है Unix, दोनों ही paid है. तो हम यहाँ पे Unix को ले लेते हैं क्योंकि comparison आमतौर पे एक जैसे operating system के बीच में होता है. तो Unix और Linux काफी कुछ मिलते जुलते हैं. तो हम यहां पे इसका सही आंसर लेंगे एम, यानी कि यूनिक्स. सातवां क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड. यहां पे सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स को हम कहते हैं रिकॉर्ड. तो सही आंसर है सी, यानी कि रिकॉर्ड्स. आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, एम डैश इज अ स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइल, कमांड और अनदर कंप्यूटर फंक्शन. ये है हमारा आइकन. आइकन एक पिक्चोरियल इमेज होता है छोटा सा,
जो किसी प्रोग्राम ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या कमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो सही आंसर हमारा इसमें होगा आइकन यानी कि ए। तो सही आंसर है आइकन। अगले प्रश्न चलते हैं नवे प्रश्न में। डैश एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए बिटमैप फॉर्मेट में जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट बीएमपी। तो सही आंसर है डॉट बीएमपी यानी कि जे। आखिरी क्वेश्चन, अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आंसर इज पोर्टेबल। तो इसका सही आंसर होगा जी यानी कि पोर्टेबल। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये हमारे कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गए अलग अलग टाइप के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप हमारे एक्सप्लेनेशन से पूरी तरह से सहमत होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, शंका है या मेरे प्रश्न मेरे आंसर से आप सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर विंडो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जैसा मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहें और ज्यादा मेहनत करें जिससे कि आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।